अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेजबान समीरा खान, हसवा 7 टीवी न्यूज इंडिया चैनल में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबर पर। खुशामदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का हसवा 7 न्यूज चैनल में खैर मकदम है। नाज़रीन, रमजान उल मुबारक के इस मुकद्दस महीने में जहां एक जानिब रमजान की रौनकें, बरकतें, फजीलतें, नेमतें देखी जाती है, तो वहीं दूसरी जानिब रमजान के इस बाविकार मौके पर कई सारे जायकेदार पकवानों की भी खुशबू फिजाओं में महकती हुई देखी जाती है। यूं तो रमजान उल मुबारक के इस महीने में तमाम छोटे बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हर गली कूचों में हलीम तैयार की जाती है, लेकिन किसी किसी मखसूस मुकामात की हलीम का जायका आवाम को दूर दराज से यहां पर खींच कर लाता है। इन्हीं में से एक बेहतरीन जायके की दुनिया में एक बाविकार वो भरोसेमंद नाम है। जी नासरीन, हम बात कर रहे हैं उपल एक्स रोड पर मौजूद मास्टर शेफ रेस्टोरेंट का। जी हाँ, जहां पर यहाँ बेहतरीन तरीके से अवाम की खिदमत में हलीम फराहम की जा रही है। यूं तो यहाँ पर कई सारे लजीज व जायकेदार तग़ज़िया से भरपूर डिशेस फराहम किए जाते हैं, लेकिन रमजान उल मुबारक के इस मुकद्दस महीने पर लजीज जायकेदार तग़ज़िया से भरपूर चिकन और मटन हलीम तैयार की जाती है। यहाँ पर खालिस गोश्त, उम्दा मसालेजात, असली व मियारी किस्म के ड्राई फ्रूट्स और असली घी से तरबदर तग़ज़िया से भरपूर हलीम अवाम की खिदमत में फराहम की जाती है। यहाँ की बेहतरीन हलीम के हुसूल के लिए अवाम के सरों का समंदर खतारों में ठहरा हुआ नजर आता है। यहाँ मास्टर शेफ होटल के बानी जनाब हसन बिन सालम और इनके फर्जंद हाफिज इकरम साहब की जानिब से बेहतरीन तग़ज़िया से भरपूर अशिया अवाम की खिदमत में फराहम की जा रही है। पिछले कई सालों से यहाँ पर न सिर्फ हलीम बल्कि सहरी में भी बेहतरीन तरीके से अवाम की खिदमत में माखूल सहरी का इंतज़ाम किया जाता है, और फिर आसपास के इलाकों में काम करने वाले और वहाँ से गुजरने वाले मुसाफरीन के लिए भी यहाँ पर इफ्तार के औकात में बेहतरीन तरीके से मुफ्त इफ्तार का भी अहतमाम किया जाता है। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है हसवा 7 न्यूज़ चैनल की ये खसूसी रिपोर्ट। हैदराबाद से यहाँ पर लोग आए हुए हैं मास्टर शेफ हलीम का मजा चखने के लिए, या बेहतरीन इंतजाम है। चलिए आज हम आते हैं एक तरफ से माशाल्लाह से हलीम तो बहुत बेहतरीन है। आज इफ्तार का इंतजाम था मास्टर शेफ में, होटल में बेहतरीन इंतजाम करें जगह है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। भाई हमारे पास मास्टर शेफ होटल में माशाल्लाह से हम लोग 12 साल से उपल में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मास्टर शेफ के नाम से हमारी होटल है उपल चौरस्ते पे, और हमारे पास हर रोज़ 4 बजे से माशाल्लाह से चिकन और मटन दोनों ही तैयार मिलती है। और हमारे वालिद साहब को अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल का इस लाइन में तजुर्बा है, हलीम के लाइन में, बिरयानी के लाइन में, और इस तजुर्बे के आप भी फ़ायदा उठाइए इस तजुर्बे का। आइए हमारी हलीम टेस्ट करिए। माशाल्लाह से सारे शहर में और शहर के बाहर सारी जगह पे माशाल्लाह से मास्टर शेफ की हलीम बहुत मशहूर है। आप भी एक बार खाइए इंशाल्लाह, टेस्ट करिए, उसके बाद आप भी बताइए हमारी हलीम आपको कैसी है। हर रमजान में हम कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह अच्छी खिदमत करें, जरा कि अच्छा मान लें। तो रोज़ाना 4:30 बजे से हलीम मिलती है, अब रात की दो टाइम में मिलने में जब ख़त्म हो चुकी तो ख़त्म हो गई, सर 4:30 बजे होती। आप लोग भी आइए खाइए, और सहरी का भी इंतज़ाम है हमारे पास रोज़ाना 3 बजे रात से, खट्टा खीमा पाया मसाला और अंग्रेजी मसाला, ये तमाम चीज़ें हमें बफेट का भी इंतज़ाम है। इन शाला में बफेट भी चालू हो जाएगा इन शाला हमारा। इससे पहले गुजशा रमजान में वन प्लस वन आप पर बैठे हलीम का हमें सोचे नहीं उसके बारे में, इन शाला कम्फर्टेबल डिसाइड करके रखें। नॉर्मल रेट है रोज़ाना का। और शहर में क्या क्या रखे थे? शहर में अभी जो हरे पाया है, अंग्रेजी है, खीमा है, और चिकन की करी है, रोटी वगैरह है, खिचड़ी खट्टा खीमा है, ये चालू है। अब बफेट का दोनों आइटम का देना बफेट है और भी शुरू नहीं हुआ, कल पड़ी भी शुरू हो जाएगा।
पर मास्टर शेफ रिजोर्ट पर मास्टर शेफ होटल है, स्टूडेंट नंबर 8600। यहाँ पर जो है इंतजाम किया है, शहरी में जो है खिचड़ी खट्टा सीमा है और बुनी का गोश्त करे जी ये सब एडवांस मिलते हैं, नाश की रोटी रुमा रोटी सब एडवांस मिलते हैं। इंशाल्लाह बफेट का भी इरादा है कि दो चार दिन में इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो बफेट भी चालू कर देंगे। हमारे शेठ साहब का इरादा है, काम चल रहे हैं, इंशाल्लाह एक दो दिन में बफेट भी चालू कर देंगे। आप लोगों की दुआ की दावत करता हूं। मज़ीद तफ़सीलात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल खसवा 7 सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।